गुड मॉर्निंग क्लास फाइव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर फाइन। मी वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल। बच्चों, हमारा पार्ट छः लिंग जो है हम पूरा रीड कर चुके हैं। ये जो है वर्ग में से स्त्रीलिंग शब्द ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। इनके लिंग बदलने हैं, जो इनके लिंग बदलने होंगे बदल कर आएंगे। बंदर बंदरिया, घोड़ा घोड़ी, अध्यापक अध्यापिका, हाथी हथिनी, बालक बालिका, सुनार सुनारिन, तो वो आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने खुद ढूंढने हैं, फिर यहाँ लिखने हैं। ये है पेज नंबर 35 बुक वर्क। इसका स्त्रीलिंग के दो उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक क्या है? मौखिक तथा लिखित प्रश्न। मौखिक मतलब मुख से बोलने भी है और लिखने भी है। स्त्रीलिंग के दो उदाहरण दीजिए, गायिका लेखिका। पुरुष यहाँ आना था। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुलिंग नहीं, पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुलिंग। लुहार का स्त्रीलिंग शब्द लुहारिन। लिंग के कितने भेद होते हैं? किसने नहीं आएगा, लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। ये प्रश्न उत्तर नोटबुक में किए हैं। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। पुलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ये बात गलत है ना। पुलिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, ये बात सही है। नदी तथा तिथियों के नाम पुलिंग होते हैं, ये बात भी गलत है। नदी तथा तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, ये बात सही है। पहाड़ों के नाम पुलिंग होते हैं, ये भी बात सही है। प्रश्न चार है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में सही शब्द रिक्त स्थानों में भरिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, पुलिंग। ये तो बहुत बार हो चुका है ना। झील डैश शब्द होता है, झील जो है हमेशा स्त्रीलिंग होता है। महीनों के नाम सदा डैश होते हैं, महीनों के नाम सदा पुलिंग होते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, भगवान भगवती, छात्र छात्रा, छात्र छात्रा, कटोरा कटोरी, कटोरा कटोरी, गायक गायिका, गायक गायिका, पंडित पंडिताइन, पंडित पंडिताइन, सेठानी सेठ, सेठानी सेठ, बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया, पाठक पाठिका, पाठक पाठिका, सेविका सेवक, सेविका सेवक, नौकर नौकरानी, नौकर नौकरानी, गुणवान गुणवती, गुणवान गुणवती, बाई ओर इस साइड बाई ओर दिए गए शब्द का उचित स्त्रीलिंग रूप पहचान कर दाई ओर लिखिए। ये बाई ओर शब्द दिया है, इसके तीनों में से कौन सा इसका उचित स्त्रीलिंग शब्द है वो यहाँ लिखना है। मालिक मालकिन, हलवाई हलवाइन, ठाकुर ठकुराइन, ठाकुर में ठाकुर था आ की मात्रा इसमें कट जाएगी, ठकुराइन, कवि कवयित्री, शिक्षक शिक्षिका। निम्नलिखित रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। लिंग बदलकर, ठीक है। रंगीन शब्द कौन सा है? आज अध्यापक कक्षा में नहीं आएंगे, तो ये रंगीन शब्द ये है ना, अध्यापक का अध्यापिका। आज अध्यापिका कक्षा में नहीं आएंगी। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, पड़ोसी का पड़ोसिन, मेरी पड़ोसिन बहुत अच्छी है। बालक छत पर सो रहा है, बालक बालिका, बालिका छत पर सो रही है। सेठ जी दुकान में बैठे हैं, सेठ जी सेठानी जी दुकान में बैठी हैं। माली बगीचे में खड़ा है, माली मालिन, मालिन बगीचे में खड़ी है। लिंग के आधार पर मिलान कीजिए, स्त्री पुरुष युवती युवक पंडित पंडिताइन। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम। चार ऐसे शब्द लिखिए जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं।
चार ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ये हमारा लेसन में भी आए हुए हैं, आंसर होते हैं। बस हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो हम खुद भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। भाषा, लिपि, तिथियों तथा नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। झीलों के नाम भी होते हैं, लेकिन चार बोला ना उन्होंने, चार ऐसे शब्द लिखे, तो मैंने भाषा, लिपि, तिथियों तथा नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग किसे कहते हैं? परिभाषा जो है, उदाहरण, परिभाषा सहित उदाहरण भी लिखिए, परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी देने हैं। लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, जैसे मोर, शेरनी, कवि आदि। मोर, शेरनी, कवि आदि स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। समान लिंग वाले शब्द के दो उदाहरण दीजिए, जो स्त्री या पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि। और भी हैं, लेकिन दो देने हैं ना हमने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही समान रूप से प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF मैं भेज दूंगी, आपने बुकवर्क और प्रश्न उत्तर नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं और लर्न भी करनी है। ओके, टेक केयर बेटा।